बहुत सी जगहों पर हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करें। किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हमेशा आपकी मर्जी होती है, आपकी चॉइस होती है कि किसी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स आप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से कॉलेज तक का स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है बहुत सारे जो है वेक्टर्स के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, जिनका वेक्टर सम आपको वही रिजल्टेंट वेक्टर देगा। लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स की जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर सिर्फ दो बन सकते हैं किसी वेक्टर के, और थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी वेक्टर के तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर टू डायमेंशनल जो है प्लेन की बात करूँगा, तो उसमें एक वेक्टर है उसको कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कॉस थीटा से रिप्रेजेंट होगा, कौन सा साइन थीटा से रिप्रेजेंट होगा। यकीनन इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक सिंपल सा वेक्टर ले लेता हूँ, फोर्स वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है। अब ये वेक्टर इनिशियली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बने। कंपोनेंट्स बनाने का मतलब ये है कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर जो साया बनता है वो कितना है, इस वेक्टर का वाई एक्सिस पे साया बनता है वो कितना है, ये जो x एक्सिस पे इसका साया बना है ये इसका x कंपोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये f है, तो ये इसका f x कंपोनेंट होगा, y एक्सिस पे इसका जो साया है दैट इज f y। अब f x क्या है, f y क्या है, f x और f y के अंदर दरमियान रिलेशनशिप क्या है, हाउ दे आर रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री की तरफ जाऊंगा। आप जानते हैं ज्योमेट्री में अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में जाहिर है तीन साइड हैं, एक साइड जो सबसे लेंथी होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है एच, जो साइड एंगल के अपोजिट होती है। अब एंगल आपकी चॉइस होती है या जरूरत के मुताबिक एंगल जहाँ पे भी बना हुआ है, अगर एंगल यहाँ पे बना हुआ है थीटा, तो इसका मतलब है अगर ये नॉन एंगल है तो इसके सामने वाली साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर बी। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि उसमें एंगल जो है ऊपर दिया गया है यहां, तो इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस पे पड़ा है तो वो हमेशा बेस है, वाई एक्सिस पे है वो हमेशा परपेंडिकुलर है। तो थीटा के दो हैंड्स होते हैं, जो लेंथी हैंड होता है वो रिजल्टेंट होता है, वो हाइपोटेन्यूस होता है, और जो शॉर्टर हैंड होता है वो होता है बेस। तो थीटा के दो हैंड्स हैं, एक बेस है और जो लॉन्गर वन है ये हाइपोटेन्यूस है। इस केस में लॉन्गर वन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है, ये जो थीटा का एडजेसेंट हैंड है एडजेसेंट ये बेस है, जो थीटा के दो हाथ हैं इसमें लेंथी वन जो है वो रिजल्टेंट है, स्मॉलर वन जो है बेस है, और जो अपोजिट टू थीटा है दैट इज परपेंडिकुलर। इन दिस पर्टिकुलर केस परपेंडिकुलर इज एफ वाई। नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री यू नो दैट सम पीपल हैव, ये जो एक याद रखने के लिए हम कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव मींस सम एस कोसाइन थीटा पीपल पी and h for hypotenuse p by h, so perpendicular divided by hypotenuse is sine theta. Similarly, c for cos theta, b for base, and this h for hypotenuse. So base by hypotenuse is cos theta, and similarly, t for tangent theta,
पी फॉर परपेंडिकुलर एंड पी फॉर बेस. सो यू नो फ्रॉम ज्योमेट्री दैट यू कैन ऑलवेज राइट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. नाउ परपेंडिकुलर की अगर आपको पहचान हो गई तो आपको किसी भी जगह वेक्टर को रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. आपने सबसे पहले एंगल ढूंढना है कि एंगल कौन सा है. एंगल के दो हैंड होते हैं, एक रिजल्टेंट वेक्टर, एक उसका एक्स कंपोनेंट जिसको आमतौर पे कहा जाता है बेस. एक बेस होता है, एक लेंथी कंपोनेंट रिजल्टेंट होता है, और जो सामने वाला बच जाता है एंगल के सामने वाला वही परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर साइन थीटा से रिप्रेजेंट होता है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर की जगह अगर मैं एफ वाई पुट कर लूँ और हाइपोटेन्यूज की जगह एफ पुट कर लूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि जी साइन थीटा इज एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ. और इसको रीअरेंज करने से हमें पता चलता है कि एफ वाई जो है एफ साइन थीटा होगा इसका मैग्नीट्यूड. सिमिलरली एफ एक्स को अगर देखा जाए कॉस थीटा बेस की जगह अगर मैं एफ एक्स पुट कर लूं cos थीटा इज एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ तो यहां से ये पता चलता है कि एफ एक्स क्या चीज है. एफ एक्स है एफ cos थीटा एंड लास्ट वन टेंजेंट थीटा सो दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस एफ वाई बाई एफ का एफ एक्स. सो ये जो एफ वाई बाई एफ एक्स है ये आमतौर पर थीटा फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं. बहरहाल वेक्टर को कंपोनेंट पे रिजॉल्व करना बड़ा आसान है जिस तरह की भी सिचुएशन हो, चाहे किसी पेंडुलम के फोर्स वेक्टर को वेट वेक्टर को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं तो ये इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं इधर आ जाएगा कोई एंगल बनाएगा थीटा तो जितना एंगल ये इधर बना रहा है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ वही एंगल वेट जो है टेंशन की डायरेक्शन के साथ बना रहा है थीटा. और अब अगर आप चाहते हैं कि इस वेक्टर को रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट वो जो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ इसको दोबारा ले जाने की कोशिश करेगा रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और एक कंपोनेंट वो जो इस टेंशन फोर्स इस रस्सी के अंदर या तार के अंदर टेंशन है उसको बैलेंस करने के लिए यूज होगा. इन दो कंपोनेंट्स में मैं इस वेट वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करूंगा, बड़ा सिंपल है. ये थीटा गिवन था, इसकी बिना पर मुझे ये थीटा भी मिला ऑटोमेटिकली. अब मैं देखूंगा इस थीटा के दो हैंड्स हैं, इस थीटा के दो हैंड्स हैं, एक वो हैंड जो रिजल्टेंट है यानी वेट, एक शॉर्टर हैंड ऑब्वियसली ये रिजल्टेंट से स्मॉलर होगा तो एक ये हैंड एडजस्टेड है तो ये अगर एम जी है तो इसका दूसरा ये फॉर एग्जांपल एफ है तो एंगल का दूसरा हैंड इस तरह यहां पे लिखा था दैट वुड बी एम जी कॉस थीटा. एंगल के दोनों हैंड मालूम हो गए, जो बच गया वो अपोजिट वाला है. इधर ड्रा करें या इधर ड्रा करें बात एक ही बनती है, और थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज एफ साइन थीटा. इन दिस पर्टिकुलर केस इट वुड बी एम जी साइन थीटा. इसके बाद एक सिचुएशन हमारे पास ये हो सकती है कि कभी हमें किसी इंक्लाइन प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है और हमें ये देखना है कि ये जो कंपोनेंट है जो इसकी मोशन का सबब बन रहा है डाउन द इंक्लाइन प्लेन वो कहाँ से आ जाता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस इंक्लाइन प्लेन का सबसे पहले तो एंगल मालूम होता है वो दिया गया होता है. तो जो इस इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बनाया है वही एंगल उसके नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन का जो नॉर्मल है वो वही एंगल क्या करता है वाई एक्सिस के साथ यानी वर्टिकल एक्सिस के साथ बनाता है. इसलिए जब भी आप किसी भी
प्लेन को आप किसी एंगल के ऊपर रोटेट करते हैं, उस प्लेन का नॉर्मल भी अपनी इनिशियल पोजीशन से उतना ही रोटेट हो जाता है। तो ये जो एंगल है इस एंगल के हमेशा बराबर होगा। अब ये क्या है, यहां पर आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब वेट ओरिजिनली डाउनवर्ड था, थोड़ा सा ऐसा रोटेट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब भी वेट डाउनवर्ड है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वेट के दो कंपोनेंट्स बनाऊं। एक कंपोनेंट वो जो उस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, एक कंपोनेंट वो जो इस प्लांक के नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है जो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस होगा, ये कंपोनेंट कॉस थीटा से रिप्रेजेंट होगा या साइन थीटा से रिप्रेजेंट होगा। वंस अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो एक चीज याद रखेंगे, जैसे पहले भी मैंने कहा द लेंथी वन इज हाइपोटेन्यूस और रिजल्टेंट, द अदर एडजेसेंट साइड इज बेस एंड बेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द रिजल्टेंट टाइम्स द कॉस थीटा, रिजल्टेंट इज mg। So this component which would cause that object to move down the inclined plane is mg sine theta, because this one is then perpendicular one। आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं या theta के opposite यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं, इफेक्ट दोनों का सेम है, मतलब सेम निकलता है। So mg sine theta वो होगा जो theta के opposite होगा, mg cos theta वो होगा जो theta के adjacent होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अल्लाह पामान।